सबसे पहले आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है अर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। इन दोनों देशों के बीच में जो है वो एक तरीके से लड़ाई शुरू हो गई है, एंड आई होप कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज बनेगी अपकमिंग एग्जाम्स के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, और ये SSB जाने वाले स्टूडेंट्स को भी पता होना ही चाहिए, बिकॉज ये जो है वो एक इशू एकदम से उठ के आ गया है और इस पे एग्जाम में या SSB में आने के चांसेस रहेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों कंट्रीज की पोजीशन देख लेते हैं मैप के ऊपर कि ये दोनों कंट्रीज कहाँ पर हैं। सो लेट्स ओपन अप द मैप। तो हम यहाँ पे इंडिया से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉकेसस माउंटेन चेन के साउथ की तरफ में, यहाँ जो माउंटेन चेन है जो एक तरीके से यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाती है, इसको कॉकेसस माउंटेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कॉकेसस माउंटेन है जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में। ये रीजन अभी बहुत दिनों से न्यूज में चल रहा है, तो रिसेंट में अभी जो NDA का पेपर हुआ उसमें इससे जुड़े हुए दो क्वेश्चन आ गए थे। एक तो कॉकेसस माउंटेन पूछ लिया था और एक जगह का नाम देकर पूछ लिया था कि इनमें से कौन सी कंट्री की बाउंड्री जो है वो यहाँ पे समुद्र से नहीं लगती, तो ये अर्मानिया जो है वो यहाँ पर न्यूज में था। तो ये जो पूरा रीजन है, ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज की पोजिशन थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी जरूरी है। जैसा मैंने अभी दोनों में एग्जाम्पल दिया, कई बार ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि जैसे अभी यही एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं, कॉकेसस माउंटेन कौन से दोनों वाटर बॉडीज के बीच में, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी पूछा था कि कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में कौन सी माउंटेन चेन है, उसी तरीके से उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी कंट्री जिनके नाम दिए थे पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, समुद्र में नहीं निकलती है, तो अब अर्मेनिया उसमें एक ऑप्शन था और अर्मेनिया उसका आंसर था। तो इस तरीके से यहां पर अजरबैजान की कैस्पियन सी से बाउंड्री लगती है और अर्मेनिया जो है वो टोटली लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही जो है वो जॉर्जिया समेत ये पूरा रीजन जो है वो USSR यानी कि आज की तारीख में जो रशिया है, पहले USSR सोवियत संघ जो होता था उसका हिस्सा होता था, ये कंट्रीज उसके मेंबर थे। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ यानी कि ये कंट्रीज जो है वो उससे सेपरेट हुए, तब ये सेपरेट कंट्रीज बन गए। और इन दोनों कंट्रीज की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए जो कि अभी रिसेंट में न्यूज में आ गई है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान और यरेवान जो है वो कैपिटल है अर्मेनिया की, तो ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ लेट अस कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। द टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान ओवर द नागोर्नो काराबाख रीजन हैज री इरप्टेड विथ हैवी क्लैशेज, दोनों तरफ से लड़ाई जो है वो शुरू हुई है। अब ये नागोर्नो काराबाख रीजन, ये डायरेक्टली पूछने के चांसेस हैं एंड आपको ये ध्यान होना ही चाहिए। अर्मेनिया एंड अजरबैजान आर पार्ट ऑफ ट्रांस कॉकेशिया और साउथ कॉकेशिया रीजन, जैसा मैंने बताया था कॉकेसस माउंटेन रेंज के साउथ की तरफ का जो रीजन है वहां की बात हो रही है। ये क्या है रीजन इसके पीछे, ये क्यों डिस्प्यूट शुरू हुआ है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। नागोर्नो काराबाख रीजन हैज 95% ऑफ द पॉपुलेशन एज एथनिक अर्मेनियन एंड इज कंट्रोल्ड बाय देम, बट इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो यहां पर मैप पे जाकर देखेंगे हम वापस, तो यहां पर इधर वाला ये जो रीजन है यही रीजन जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन है जिसकी बात यहां पर हो रही है। यहां पर इस रीजन की बात जो है वो हो रही है मेजरली, इससे अड़ता हुआ जो रीजन है वो इसकी बात हो रही है यहाँ पर, और इसी रीजन को डिस्प्यूटेड रीजन कहा गया है, जो कि यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये आपसे पूछने के चांसेस हैं, नागोर्नो काराबाख रीजन दोनों कौन सी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है। अर्मेनिया इज अ क्रिश्चियन मेजोरिटी एंड वाइल अजरबैजान इज मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में द लीडर्स ऑफ बोथ द नेशंस हैव फ्यूल्ड द इशू टाइम एंड अगेन फॉर देयर वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो जब दोनों ये देश अलग हुए थे, आजाद हुए थे, तब ये जो रीजन है ये रीजन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रीजन था, और इस रीजन पे जो है वो अर्मेनिया वालों ने, अजरबैजान वालों ने एक्चुअली कंट्रोल कर लिया, और अर्मेनिया से इन लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी, अर्मेनिया ने जो है वो इसको एक ऑटोनोमस अलग से सेपरेट रीजन मान लिया है। ये कहते हैं कि ये एक सेपरेट रीजन है जबकि अजरबैजान इसको सेपरेट रीजन नहीं मानता, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट जो है वो इन दोनों देशों के बीच में चल रहा है। हिस्ट्री है डिस्प्यूट की जिसको यहाँ पे बताया गया है। 1920 में नागोर्नो काराबाख ऑटोनोमस रीजन वॉज एस्टेब्लिश्ड विद इन अजरबैजान बाय देन सोवियत यूनियन। अजरबैजान के अंदर का ये क्षेत्र जो है वो सोवियत यूनियन ने इसको एक ऑटोनोमस रीजन, अलग से एक रीजन बना दिया था। 1988 में नागोर्नो काराबाख लेजिस्लेचर पास द रेजोल्यूशन टू ज्वाइन अर्मेनिया डिस्पाइट द रीजन लीगल लोकेशन विद इन अजरबैजान बॉर्डर।
1988 में नगरनो कारावाख लेजिस्लेचर, यहाँ की जो संसद थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और उन्होंने अर्मानिया को ज्वाइन करने का फैसला किया, जबकि अजरबैजान की बाउंड्री के अंदर पड़ता है ये एरिया, यानी कि वहां के लोग जो है वो चाहते थे कि किसी तरीके से ये जो है वो आर्मेनिया में जुड़ जाए, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया आर्मेनिया या आर्मेनिक है ज्यादातर यहाँ की पॉपुलेशन। द ऑटोनोमस रीजन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट इट वुड नॉट ज्वाइन ईदर द कंट्रीज, दोनों को ही नहीं ज्वाइन करेंगे, 1991 में कहा कि दोनों को ही नहीं ज्वाइन करेंगे। एंड रेफरेंडम विच वॉज बायकॉटेड बाय अजरबैजान, एक रेफरेंडम पास करके काम दोनों को नहीं ज्वाइन करेंगे, हम आजाद रहेंगे, और इसको अजरबैजान ने पूरी तरीके से मानने से मना कर दिया है, और इसके बाद से अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में इस एरिया को लेकर जो है वो लड़ाई चलती रही है और इसमें बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। 1994 में रशिया ने इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करी और सीज फायर करवाया, तब से सीज फायर हो चुका है, हालांकि लड़ाइयां अक्सर होती रहती है, बॉर्डर डिस्प्यूट होती रहती है, सीज फायर वायोलेशन होती रहती है, गोली बारूद चलते रहते हैं। 2016 में अप्रैल 2016 द रीजन वॉज पर्टिकुलर टेंस, क्योंकि दोनों तरफ में जो है वो लड़ाई की हालत बन गई थी, जिसको फोर डे वॉर के नाम से जाना जाता है। तो ये फोर डे वॉर क्या है और किससे जुड़ा हुआ है, ये भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं अपकमिंग एग्जाम में। अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरमिटेंट सीज फायर वायलेशन बिटवीन अजरबैजानी एंड अर्मेनियन ट्रूप्स हैव कॉज्ड हंड्रेड्स ऑफ डेथ, जैसा मैंने बताया सीज फायर वायलेशन होने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जो है वो यहाँ जाती रही। दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइव करंट अफेयर सीरीज। You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.